ये लिविंग एरिया है 1 BHK का। इसमें बालकनी नहीं दिया हुआ है और ये रहा कॉमन टॉयलेट जो घुसते ही खत्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है तो हम फैमिली मिलके सोचा कि क्यों ना हम एक न्यू फ्लैट देखने जाए। काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि जहां हम रह रहे हैं वहां शिफ्ट करें। तो मेरा जो एजेंट है उसने कहा कि कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलते हैं और वहां जाके देखते हैं। चलते हैं। इंसान है, बाइक भी चला रहा है, मोबाइल भी चल रहे हैं। हेलो जी, हाय सविता, यूट्यूब के लिए भी वीडियो बना रहे हो? मुझे भी ले रहे हो पहले इंटरफेस? हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि पहले वो देखे फिर देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना। वो बोलते हुए आ रही है। सबसे पहले आए हैं इंटरफेस हाइट, जो मलाड में ही है, मेरे घर से नज़दीक ही है। तो हमारी जो सविता है, आओ सविता, मेरी प्रॉपर्टीज वगैरह सब यही संभालती है। तो ये इसने सोचा कि पहले इंटरफेस देखा जाए फिर दूसरे प्रॉपर्टीज में जाएंगे देखने। सो लेट्स वॉच इट, प्लीज कम। तो अभी हम जा रहे हैं 2 BHK देखने के लिए। हम 2 BHK भी देख रहे हैं, 3 BHK भी देख रहे हैं। अभी देखते हैं कि ऑप्शन तो हमेशा देखते रहना चाहिए, पता नहीं क्या पसंद आ जाए। तो मैं अभी आई हूँ 28th फ्लोर पे और ये पूरा जो टावर है 20 माले का टावर है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं रूम के अंदर, देखते हैं रूम कैसा है, क्या होगा। हमारे इंजीनियरिंग का पढ़ा है, तो यार शक्ल को थोड़ा माइनस कर दूँ फ्लैट का साइज होगा। अच्छा, ये सेम रहेगा। दिस इज क्लास सेकंड, दिस डजंट कम अंडर 970। जैसे कि ये है लिविंग रूम, एल शेप में बना हुआ है बिल्कुल। और अभी हम चेक करते हैं, ये बेडरूम है और इसमें अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है और हर रूम में बालकनी है। ये देखिए, और यहाँ पर आप वार्डरोब बना सकते हैं। और ये रहा वॉशरूम, यहाँ पर ड्राई एरिया भी दिया हुआ है, हर वॉशरूम में ड्राई एरिया दिया हुआ है। ये बाहर बालकनी दिया हुआ है, ऊपर से ये व्यू देखिए। अच्छा दीदा, ये बालकनी है। अच्छा, वो दूसरे रूम से ये देखिए, ये बालकनी कनेक्टेड है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं किचन। सविता पहले जा रही है। हाँ अच्छा, ये ओके। और ये जो है, ये ड्राई एरिया दिया है, देखिए वापस से आप वॉशिंग मशीन वगैरह सब रख सकते हैं यहाँ पर। और ये दो साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और यहाँ फ्रिज रखने का जगह है। ये मास्टर बेडरूम है, आप देखिए इतना बड़ा सा आपको ह्यूज वार्डरोब के लिए दिया हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि वार्डरोब आपका काफ़ी बड़ा सा बन जाएगा। और अगेन ये देखिए, ये बालकनी है बाहर। वॉशरूम है, इसे आप कॉमन के बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और मास्टर बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, ये अगर डोर बंद कर रहे हैं, अगर ये डोर बंद कर देते तो आपका मास्टर बेडरूम हो गया, तो टॉयलेट अंदर हो गया।
और अगर ये डोर ओपन कर दिया तो आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, मतलब इसको दोनों वे में से यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर वाले को रूम्स तो बहुत अच्छे लगे क्योंकि काफ़ी स्पेस है, जो हमको मेन देखना है जहाँ भी हम जा रहे हैं देखने के लिए, स्पेस चाहिए हमको, काफ़ी स्पेस की ज़रूरत है। हाई राइज टावर में रहने का मज़ा कुछ अलग ही है। देखते हैं अभी और भी दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है, सविता दिखाने वाली है, उसकी तो मैं जान खा जाऊँगी। ये जो सोसाइटी है ये बहुत बड़ी सोसाइटी है और इनका जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लास्ट बिल्डिंग जो बन रहा है इनका, वो वहाँ पर है, काम चालू है, जिसका पोजीशन देने वाले हैं 2 या 2.5 साल इन्होंने कहा है, बट हम लोग फ़िलहाल अभी जो देखे वो 2 BHK, बट हमारा नीड है 2+2 चोरी फ्लैट, तो देखने में तो हर्ज नहीं है, तो देखते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी हमने देख लिया है, अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्रॉपर्टी देखने के लिए, जो मैं ऑलरेडी पहले देख चुकी हूँ, बट मैं चाहती थी कि मेरे फैमिली वाले भी उसे एक बार देखें, फिर दोनों में डिफरेंस चेक करें कि भाई कौन सा बेटर है। ये जो टावर नज़र आ रहा है आपको, ये टावर में अभी हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, इसके 2 टावर आने वाले, तो अभी ये ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो चलते सीधा। आप लोगों को ये बता दूँ, ये मलाड का 2nd tallest टावर है, ये देखिए, फर्स्ट तो सेरेनिटी है और 2nd ये वाली है। ये टावर का नाम है आयरन टावर और ये जो है टावर 45 हैबिटेबल फ्लोर है ये, तो अभी हम सीधा सेल्स ऑफिस जाते हैं, चेक करते हैं रूम्स वगैरह, क्योंकि इन्होंने सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है, देखते हैं। अभी हम 1 BHK देख रहे हैं और ये लिविंग एरिया है 1 BHK का, इसमें बालकनी नहीं दिया हुआ है और ये रहा कॉमन टॉयलेट, जो घुसते ही खत्म हो जाता है। Yes. और ये किचन एरिया है, और ये रहे बेडरूम। 1 BHK में कहीं भी आपको बालकनी वगैरह नहीं दिया हुआ है, और ये है अटैच बाथरूम इसके साथ। अभी हम सैंपल फ्लैट देख रहे हैं और आपको ये है एक स्टोरेज दिया हुआ है एरिया, सर्विस एरिया इसे कहते हैं। तो ये हमने देख लिया अभी 1 BHK, अभी हम सीधा जा रहे हैं 2 BHK। ये है इसका लिविंग एरिया, देखिए यहाँ पर डाइनिंग एरिया दिया है, एल शेप में है पूरा ये रूम, और इसमें प्लस पॉइंट एक चीज़ है कि इसमें दिया है बालकनी, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आज के तारीख में बालकनी तो होनी चाहिए अगर आप हाई स्टोरेज बिल्डिंग में, अगर टावर में रह रहे हो तो। तो अभी हम देखते हैं इसका कॉमन टॉयलेट है ये, हाँ बड़ा है, ओके ये कॉमन टॉयलेट है, हाँ उससे थोड़ा बड़ा है ना, ओके। और ये है किचन एरिया, ये है पहला बेडरूम, यहाँ बालकनी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिविंग एरिया में जो है बालकनी है, बाकी किसी भी बेडरूम में बालकनी नहीं है। ये है मास्टर बेड, ये देखिए, और ये रहे वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, और ये वार्डरोब है, और ये रहे सर्विस एरिया, तो अब
अभी हम आए हैं 30th फ्लोर में, और जहाँ से हम देखने वाले हैं व्यू, पहले हमने देखा सैम्पल फ्लैट, ये पूरा खाली है, चल रहा है काम काज, तो हम यहाँ से सिर्फ व्यू देख रहे हैं। ये रहा पूरा व्यू, आप देख सकते हैं वो दूर में है सेरेनिटी, और ये नीचे आप देख रहे हैं मेट्रो का जो है, और यहाँ नज़दीकी इन्फिनिटी कहाँ गया, ये रहे इन्फिनिटी मॉल। सैंपल फ्लैट तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, फिर भी ये वाला दिखा देता हूँ। ये है मास्टर बेडरूम, ये वॉशरूम है, यहाँ पर जो वहाँ पर फिटिंग्स वगैरह दिया था वॉशरूम में वगैरह में, तो वो सब एग्जैक्टली वैसे ही बन के मिलेगा। हाई राइज टावर में रहने का मज़ा तो कुछ और ही है, लेकिन जैसे कि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन शौक तो है, बट मेरे घर वाले मानने को रेडी नहीं है, वो हायर फ्लोर पे जाने को रेडी नहीं हो रहे, तो उनका कहना है कि हम नीचे के जो है ना फ्लोर एटलीस्ट 20th तक आप एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज उसके ऊपर वो लोग नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज बैल्कनी है, बैल्कनी में बैठने को भी डर लगेगा हमको, मतलब जो हिसाब से यहाँ पर हवा वगैरह चलेगा ना, तो अभी देखते हैं अभी कि कौन सा पसंद आता है उनको। सो फाइनली हमने फ्लैट देख लिया है, हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला फ्लैट जो हम देखने आए हैं, तो अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इसका रेट्स वगैरह क्या है। ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टाटा।